अभी हम मौजूद है शहीद स्मारक पर, जहां पर पिछले 13 दिनों से लगातार रीड एडिशनल विषय अतिरिक्त चयनित शिक्षक अपनी नियुक्ति की सरकार से गुहार लगा रहे हैं। आपको बता दें, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग द्वारा पिछले वर्ष 27,000 पदों पर लेवल 2 की परीक्षा आयोजित हुई थी, उसमें से 21,000 पदों पर नियुक्ति मिल चुकी है, लेकिन लगभग 6,000 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया बाकी है। सर, लगातार 13 दिनों से आपका प्रदर्शन जारी है, सरकार की तरफ से या शिक्षा मंत्री की तरफ से कोई सकारात्मक आश्वासन दिया गया? हमारा आज 13वां दिन शहीद स्मारक पर धरना चल रहा है। हमने राजस्थान इंस्टीट्यूट जाने की शुरुआत की थी, जब से हमने नई सरकार आई है तब से हम मंत्री जी से बार बार मिल रहे हैं, मुख्यमंत्री जी से आग्रह कर रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं। मंत्री जी सकारात्मक जवाब देते जरूर है, बट वो धरातल पर दिखाई नहीं दिया अभी तक। मंत्री जी हमेशा कह रहे हैं, एग्जामिन करा रहा हूँ, हम आपको नियुक्ति दे देंगे। जब मंत्री जी नियुक्ति देने का बोल रहे हैं तो क्यों लेट कर रहे हैं? आज अगर 4 सितंबर लग जाएगी तब युवा वापस वही बैठे रह जाएंगे, यही लोकसभा चुनाव आपके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। नहीं तो 4-5 महीने से लगातार आप अपनी नियुक्ति के लेकर दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। भाजपा सरकार ने रोजगार देने की बात कही थी, लेकिन आज ये चयनित शिक्षक की दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, उसको लेकर क्या करना? जब आचार संहिता से पहले जब हम भाजपा के नेताओं से मिलते थे तो वो ये बोलते थे कि जब हमारी सरकार आएगी तब प्रायोरिटी में आपकी नियुक्ति रखेंगे, क्योंकि हमने पिछली बार दी तो आपकी अगली बार देने में कोई चिंता नहीं है, आपका लीगल इश्यू है, इलीगल इश्यू नहीं है, आपको विचाराधीन मामले में नियुक्ति देनी चाहिए, दे देंगे। जबकि अब हम आज 13 दिन यहाँ 13 दिन हो गए धरने देते हुए, फिर भी हमारी मांग पर गौर नहीं किया जा रहा है, ये हमारे लिए दुर्भाग्य है, राजस्थान के लिए भी दुर्भाग्य की बात है। देखिए, तमाम अभ्यर्थी रीट लेवल 2 एवं सेकंड ग्रेड अतिरिक्त विषय के चयनित शिक्षक हैं, वो लगातार पिछले 13 दिनों से अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। सर, कहाँ से आए हैं? और सर, मैं जयपुर से हूँ। सर, हम पिछले 13 दिन से यहाँ धरना दे रहे हैं, लेकिन सरकार हमारी सुन नहीं रही है। सर, सब बच्चे परेशान हैं, युवा बेरोजगार है, सब दुखी है। सर सर, हमारी रामराज्य सरकार से यही मांग है कि हमें जल्द से जल्द नियुक्ति प्रदान करें। सर, रीट शिक्षक भर्ती 2018-15 में ग्रेड 3 में चयनित अतिरिक्त विषय के शिक्षकों को नियुक्ति दी गई और आपको नियुक्ति नहीं दी जा रही है, क्या सरकार कोई भेदभाव कर रही है? सर, भेदभाव कर ही रही है, दोहरा मापदंड अपना ही रही है, अन्याय हो रहा है हमारे साथ। सर, हमारी मांग यही है कि जैसे 16, 18 और 21 में जिस आधार पे 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पे लिखवा के ज्वाइनिंग दी है, उसी बेस पे हमें भी ज्वाइनिंग दी जाए और हमें राहत दी जाए। देखिए, तमाम अभ्यर्थी रीट लेवल 2 चयनित शिक्षक हैं और इनका मामला यही है, एडिशनल डिग्री धारी हैं ये, जो पिछले 13 दिनों से लगातार अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर प्रदर्शन करें। मैम, 13 दिनों से लगातार प्रदर्शन जारी है, शिक्षा मंत्री सरकार की तरफ से बोर्ड की तरफ से कोई बुलावा? सर, बुलावा तो हमारा डेलीगेशन कंटिन्यूसली उनसे मिल रहा है, जैसा कि अभी सर ने कहा कि बस वो हमको बाहरी तौर पर कह देते हैं कि आपका काम हो रहा है, बट उसके लिए हमें पता नहीं चल रहा है कि वो हो रहा है, कि इसके लिए कोई प्रूफ हमारे पास आ रहा नहीं है। मैं ये कहना चाहूँगी, जब सरकार के चुनाव वगैरह वो सब टाइम से हो जाते हैं तो हम लोगों की नियुक्ति को क्यों अटकाया जाता है? उनमें तो एक दिन का भी गैप नहीं रहता, सारा सिस्टम उनकी व्यवस्था बैठ जाती है, सारे अधिकारी प्रॉपर तरीके से काम करते हैं, तो बच्चों के साथ ऐसा खिलवाड़ करते क्यों है? फिर वो ये या तो ये गवर्नमेंट ये वैकेंसी निकालना ही बंद कीजिए, जब या तो उनको मेरे ख्याल से उनको उनमें वैलिड वो नहीं है, योग्यता नहीं है सरकार चलाने की, कि वो सिस्टम बच्चों को इतना भटका रही है इधर से उधर, और इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड काम नहीं है उनके लिए जितना वो इसको कॉम्प्लिकेटेड बना रहे। जैसे उनके लिए चुनाव इम्पोर्टेंट है, उनके लिए तो 5 साल की है, हमारे लिए ये हमारी ज़िंदगी का सवाल है, बट अगर वो नहीं सुन रही है तो फिर हम धरने के अलावा और क्या कर सकते हैं? मैम, पिछले 5 महीने से नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं, आने वाले समय में आचार संहिता लगने वाली है, अगर आपको नियुक्ति नहीं दी जाती है तो आपका इंतजार लंबा हो जाएगा, उसको लेकर क्या? सर, हमें तो नुकसान होगा ही, हमारे 5 साल गए, 1 साल और चल जाएगा, लेकिन नियुक्ति तो सरकार को 10 बार देनी पड़ेगी। और रही बात आचार संहिता की, आचार संहिता कम लग जाएगी तो इसका भुगतान, सबसे ज़्यादा नुकसान तो हम तो दोबारा पढ़ लेंगे, इतनी कैपेसिटी है हमें, और दोबारा नंबर भी ले आएंगे, बट अगर हमारे ये नियुक्ति इधर से पहले नहीं हुई तो इसका खामियाजा बहुत बड़ा बीजेपी सरकार को भुगतना ही पड़ेगा, जैसे कांग्रेस सरकार को भुगतना पड़ा। हम बार बार बोलते रहे, सर हम लोग आपके सपोर्ट में हम विरोध करेंगे, और वही वो नहीं मानी, उसका नतीजा उनको भुगतना पड़ा, अब इसका नतीजा वो भी भुगत लेंगे, इससे ज़्यादा हम क्या कह सकते हैं? एक चयनित शिक्षक है, वो लगातार अपनी मांग को सरकार तक पहुंचाते हुए नजर आ रहे हैं। मैम, पिछले 13 दिनों से लगातार आप प्रदर्शन कर रहे हैं, एक महिला होने के नाते आपको किन किन परेशानियों का सामना? पहले तो बात ये बताऊँ मैं कि हम लोग TSP से आए हुए हैं, ऐसा वहाँ के बच्चे मतलब
बैकग्राउंड उनका इतना वो होता है ना, तो घर पे ना कहीं से उधार लेके इस तरह से बीएड वगैरह सारा कोर्स करते हैं। जैसे कि इस भर्ती में पहले जो पोस्टपोन हो गई वो खामियाजा भुगता 5 साल तक, इसके बाद फिर मेहनत करी, फिर सेलेक्ट हुए और यहाँ बैठ रहे। यहाँ भी हर किसी की ये कंडीशन है कि उनके पास पैसे नहीं है आने के, तो आ तो जाते लगे, यहाँ रहने का सारा मैनेजमेंट तो सारा, यहाँ इतने मतलब परेशान हो रहे हैं सारे लोग। अब सरकार इस चीज़ को सुध ही नहीं ले रही है, वो कहीं ना कहीं अपनी बात को बस आश्वासन दे रही है, लेकिन आश्वासन देने से हमारा कोई उसमें सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है ना, क्योंकि हम 15-13 दिन तो हमें हो गए यहाँ पे। आपने परीक्षा दी है उसके बाद चयन हुआ है, सरकार को नियुक्ति नहीं देनी थी तो आपको परीक्षा में क्यों बिठाया उसको लेकर? हाँ ये भी है कि परीक्षा में बिठा दिया है तो हमें बस लटका के रखा अधर झूल में, कि बस आश्वासन देने से कुछ नहीं हो रहा। हम लोग सेलेक्ट हुए, सारे बच्चे स्ट्रगल किया है, सब ने तैयारी की है, रिट में प्री दिया, फिर मेंस में आए, फिर मेरिट में आए, 2 गुना में आए, फिर प्रोविजनल लिस्ट में डाल दिया, तो कहीं ना कहीं मेंटली फिजिकली हर कोई परेशान हो रहा है। यहाँ तक परिवार वाले भी परेशान हो रहे हैं, हम बच्चों को छोड़ के आए घर पर। कहीं कहीं एक महिला जो होती है ना उसके लिए विशेष ये कि परिवार को संभालना होता है, बच्चों को संभालना होता है, और बच्चे भी कहीं ना कहीं उस चीज़ छोटे बच्चे हैं तो वो भी कहीं ना कहीं मेंटली उन पर भी प्रेशर है ही कि मम्मी नहीं है घर में इतने दिनों से, तो सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पर हम रह रहे हैं तो अभी रहने के लिए भी पैसों का जुगाड़, वो सारा चीज़, अब इतना बेरोजगार है तो उस हिसाब से सारी कंडीशन फेस कर रहे हैं हम लोग। तो सरकार को कहीं ना कहीं इस चीज़ को नोटिस करना चाहिए, हमें राहत प्रदान करनी, हमें नियुक्ति देनी चाहिए। देखिए तमाम अभ्यर्थी रीट चयनित शिक्षक और प्रदेश भर से यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर एकत्रित हुए हैं। लगातार पिछले 13 दिनों से इनका प्रदर्शन जारी है। आपको बता दें राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग द्वारा पिछले वर्ष रीट लेवल 2 के 27,000 पदों पर विज्ञापन जारी हुआ था, जिसमें से 21,000 पदों पर सरकार के द्वारा नियुक्ति दे दी गई, लेकिन लगभग 6,000 पद ऐसे हैं जिन पर अभी तक नियुक्ति प्रक्रिया बाकी है। सर लगातार 13 दिनों से आपका प्रदर्शन जारी है। जी सर, लगातार चल रहा है सर हमारा प्रदर्शन। सर मांग तो सर जायज़ है हमारी सर, उसमें कुछ गलत है नहीं, सरकार के लिए कोई बड़ी बात भी नहीं सर हमें नियुक्ति देना। लगातार जिस हिसाब से सर नियुक्ति दी गई है वैसे ही देनी है, तो सर 2 मिनट का काम है अगर सरकार चाहे तो। पता नहीं क्यों अधिकारी लोग हमारे अगेंस्ट जा रहे हैं, तो सर हमारी यही विनती है सरकार से कि हमें थोड़ा रिलैक्स दे इस मामले में और हमारा हमारे बारे में सोचे और जल्द से जल्द जितना हो सके कार्रवाई करके हमारे फेवर में डिसीजन ले। सर लगातार आपका 4-5 महीने से अपनी नियुक्ति को लेकर प्रदर्शन जारी है, आपने संघर्ष किया है, नियुक्ति नहीं मिल रही, कब तक संघर्ष जारी है? सर हमारा, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जिस दिन तक हमारा अगर ऑर्डर नहीं आया कि भाई आज भले आज से 2 महीने लग जाए, 3 महीने लग जाए, भले 5 महीने लग जाए, जब तक हमारा ज्वाइनिंग का ऑर्डर नहीं आएगा, हमारे ज्वाइनिंग के आदेश नहीं आएंगे, तब तक हम ये जगह छोड़ने वाले हैं नहीं। यही हमारा घर है और यही हमारा आसरा है, फिर चाहे हमें किसी भी प्रकार से किसी भी कंडीशन से रहना पड़े, क्योंकि सर अब हम हिम्मत नहीं रही है कि अब हम घर जा पाएँ, क्योंकि अब 4-5 महीने से चक्कर काटते काटते घर वालों को भी बताते बताते थक गए हैं कि अभी बस 2 दिन रुक जाओ, 2 दिन रुक जाओ, ये चीज़ें बताते बताते हम खुद थक चुके हैं। अब हमारे पास अंतिम आसरा यही है कि हमें सरकार आदेश जारी करे और हम यहाँ से बहुत जल्द अपने घर जाएं। देखिए तमाम अभ्यर्थी वे हैं जिन्होंने रीट अध्यापक पात्रता परीक्षा पास की, उसके बाद इन्होंने ग्रेड 3 का एग्ज़ाम दिया, उसमें उनका चयन हुआ और उसके बाद भी अभी तक इनको नियुक्ति नहीं मिली है। आपको बता दें राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा पिछले वर्ष 27,000 पदों पर लेवल 2 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ था, जिसमें ये चयनित शिक्षक पिछले 13 दिनों से लगातार शहीद स्मारक पर अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं सुनील कुमावत, कैमरामैन सहयोगी रमाकांत शर्मा के साथ द नगरी मीडिया।